कि हमारी कोऑपरेटिव एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आज हम बाहर से लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सहकारी क्षेत्र इसमें क्या कर सकता है। उनके लिए देश में ही एक सपोर्ट सिस्टम हमें बनाना है। ये जिम्मेदारी सहकारी संस्थाएं बहुत आसानी से ले सकती हैं। अब जैसे हम कृषि प्रधान तो देश कहलाए जाते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो कृषि प्रधान देश के रूप में हम पिछले 75 साल से गीत गाते रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, हजारों करोड़ रुपए का खाने का तेल हर वर्ष इंपोर्ट करते हैं। खाने के तेल में हम आत्मनिर्भर कैसे हो? इसी मिट्टी में पैदा हुआ तिलहन, उससे निकला हुआ तेल हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक ताकत दे सकता है। और इसके लिए अगर मेरे सहकार क्षेत्र के साथी काम न करें तो कौन करेगा? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप ही करेंगे ना, करना चाहिए ना। हमें अब आप देखिए, खाने का तेल भी बाहर से आता है और ऊर्जा के लिए जो तेल चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, पेट्रोल डीजल, ये फ्यूल से जुड़ा अपना इंपोर्ट बिल भी, इसको भी हमें कम करना है। इसके लिए हम इथेनॉल को लेकर आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में इथेनॉल के प्रोडक्शन, खरीद और ब्लेंडिंग तीनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज ये काम ज्यादातर चीनी मिलों के जिम्मे है और सरकारी कंपनियां उनसे इथेनॉल खरीदती है। क्या इसमें सहकारी समितियां नहीं आ सकती है क्या? जितनी ज्यादा आएगी उतना ही इसका स्केल और बढ़ जाएगा। दालों के इंपोर्ट को कम करने का, अब देखिए कृषि प्रधान देश, धार बाल से ला करके खाते हैं। अब दालों के इंपोर्ट को कम करने के मामले में भी मेरे सहकारिता क्षेत्र के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े भी अनेक छोटे छोटे सामान हैं जो हम सभी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव की मदद से हम उन्हें देश में ही बना सकते हैं। साथियों, आज प्राकृतिक खेती पर हम बहुत बल दे रहे हैं, इसमें भी कोऑपरेटिव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता और अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने में भी कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कोऑपरेटिव उसमें हाथ लगा दें, एकदम तेजी से परिणाम आ जाएगा। अब देखिए, रूफटॉप सोलर हो या फिर खेत की मेड़ पर छोटे छोटे सोलर पैनल लगाने हो, इसमें 50-100 किसान इकट्ठे होकर के एक सहकारी संस्था बना दे, मेट के ऊपर सोलर पैनल लगा दें और वो सहकारी संस्था बिजली पैदा करे, बिजली बेचे, किसान को भी देचे, सरकार को भी बेचे, आसानी से सहकारी संस्थाएं काम कर सकती है। आजकल हम देख रहे हैं कि गोबरधन योजना में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। क्या कोऑपरेटिव्स को इसमें पीछे रहना चाहिए क्या? वेस्ट टू वेल्थ का काम हो,
गोबर से बायो सीएनजी बनाना हो, जैविक खाद बनाना हो, इन सब में सहकारी संस्थानों का विस्तार हो सकता है। इससे देश का खाद से जुड़ा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। हमारे किसानों के, छोटे उद्यमियों के प्रोडक्ट की ग्लोबल ब्रांडिंग के काम में भी आपको आगे आना चाहिए। अब देखिए गुजरात का मैं, और पहले गुजरात में जो डेयरी थी सब अलग 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 नाम से काम करते थे, जब से अमूल एक ब्रांड बन गई, डेयरी बहुत है अलग अलग है लेकिन अमूल एक ब्रांड बन गई, आज ग्लोबली उसकी आवाज सुनी जाती है। हम भी हमारे अलग अलग उत्पाद का एक कॉमन ब्रांड बना सकते हैं। हमें अपने मिलेट्स यानी श्री अन्न, इस ब्रांड को हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत के ब्रांड का मिलेट्स क्यों न हो। इसके लिए कोऑपरेटिव्स को एक व्यापक एक्शन प्लान बना करके आगे आना चाहिए। साथियों, गांव की आय बढ़ाने में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हमने तो डेयरी सेक्टर में एक स्पष्ट बदलाव होते हुए देखा है। अभी पिछले 3 दिन से मैं कहीं न कहीं सहकारी क्षेत्र कार्यक्रम में ही रहता हूं। पहले गया अहमदाबाद में, अमूल के 50 साल हुए थे, फिर कल बनारस में था, काशी में, वहां बनारस डेयरी का उद्घाटन किया था। बनारस का अनुभव है कि वहां डेयरी सहकारिता का आने से बहनों की, पशुपालकों की आय एकदम तेजी से बढ़ रही है। सहकारिता बढ़ने से एक और क्षेत्र में प्रवेश हुआ है। मैंने गुजरात के सहकारी क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया था कि आप शहद की दुनिया में आइए। हमने श्वेत क्रांति की, अब हम स्वीट क्रांति करें। और शहद के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए। शहद सेक्टर को किसान आज कितना लाभ उठा रहा है ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में शहद उत्पादन 75,000 मैट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है।